हेलो, मैं सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुटके खाने की वजह से या गुटकों का सेवन ज़्यादा करने की वजह से आपके दांतों के ऊपर जो रंग चढ़ जाता है, और सफाई के बाद भी अगर आपके दांतों का रंग नहीं जा रहा है तो उसको परमानेंटली सफ़ेद करने के लिए आपको क्या इलाज करवाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ये कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं, अगर गुटखा काफ़ी लंबे समय से खाया जाता है तो उसके बाद भी गुटके के दांतों में दो तरीके के दांत देखे गए हैं। एक देखा गया जिन दांतों के ऊपर काली परत जम जाती है, दूसरे दांत देखे गए हैं जो बिल्कुल लाल पड़ जाते हैं, यानी जो गुटके के अंदर का जो रंग होता है वो सारा दांतों के अंदर सोख लेते हैं और जिस वजह से दांत जो होते हैं वो अंदर तक पूरे लाल हो चुके होते हैं। तो बात करते हैं, अगर आपके दांत काले हैं या काली परत जम गई है तो इसमें सिर्फ आप अपने दांतों की सफाई करवाने यानी डेंटल स्केलिंग की मदद से अपने दांतों को सफ़ेद करवा सकते हैं। डेंटल स्केलर कभी भी आपके दांतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। डेंटल स्केलर सिर्फ एक वाइब्रेटिंग मशीन है, अल्ट्रासोनिक मशीन है, जिससे क्या होता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जो आपके दांत के पास होता है और दांत पे जितनी भी गंदगी चिपकी हुई है वो धीरे धीरे करके अलग हो जाती है। बात करते हैं काफ़ी लोगों लंबे टाइम से जो गुटखा खा रहे हैं जिनके दांतों के ऊपर रंग चढ़ गया है और वो आपकी डेंटल स्केलिंग से दांतों की सफाई करने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि आप टीथ वाइटनिंग करवाएं। टीथ वाइटनिंग एक कंप्लीट ट्रीटमेंट का नाम है जिसको दूसरा नाम डेंटल ब्लीचिंग भी होता है। डेंटल ब्लीच या टीथ वाइटनिंग के बाद में आपको आपने करवाया है, इसके बाद में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि टीथ वाइटनिंग किस तरीके से की जाती है। टीथ वाइटनिंग यानी एक केमिकल होता है और एक हमारे पास जिंजाइवल बैरियर होता है जिसको हम लोग आपके मसूड़ों के ऊपर लगा देते हैं ताकि वो केमिकल आपके मसूड़ों को टच ना हो और आपके मसूड़ों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, और सिर्फ जो आपके आगे जितने भी आप स्माइल करते हो या हंसते हो उन दांतों के ऊपर वो केमिकल जो है लगा दिया जाता है। उसके बाद में 15 से 20 मिनट बाद में वो जब केमिकल हटाया जाता है तो जो आपका दांत का रंग था उससे एक या दो शेड, यानी आपका जो दांत का कलर था उससे थोड़ा सफ़ेद आपको जो रंग है वो देखने को मिलता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि टीथ वाइटनिंग के बाद भी आप अपने दांतों से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप गुटखा खा रहे हो तो उसमें इतना कलर चेंज नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या रहता है, आप अपने दांतों पे क्या तो डेंटल कैपिंग भी करवा सकते हो या डेंटल वीनियर्स भी करवा सकते हो। जो डेंटल कैप होती है वो मैक्सिमम उन पेशेंट्स में यूज़ की जाती है जिनके गुटके खाने की वजह से जिनकी हाइट जो है वो कम हो गई है या दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, उन लोगों में हम डेंटल कैप लगा के उनकी हाइट को बढ़ा देते हैं, साथ ही उनके जो दांतों का रंग है उसको भी हमेशा के लिए चेंज कर देते हैं। इसी के बाद आता है वीनियर्स। वीनियर्स में क्या है कि आपके जो दांतों का हाइट है वो आपका छोटा नहीं हुआ है, सिर्फ आपके दांतों का कलर बदला है और आप कलर को ही सही करवाना चाहते हो। तो इसमें क्या होता है, आपके दांतों की ऊपर की सतह को थोड़ा सा हटाया जाता है और उसके बाद में वीनियर्स लगा दिया जाता है। वीनियर्स बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है, इसीलिए हमें दांत को इतना ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दांतों को पे जो वीनियर्स लगते हैं वो जो हमारे आँखों में लेंस, यानी काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जो आँखों के अंदर जो लेंस लगाते हैं उतने ही पतले वीनियर्स आते हैं जो आपके दांतों के ऊपर चिपका दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो दांतों का जो कलर है यानी जो लाल हो गए थे दांत या कोई भी दाग धब्बे आपके दांतों पे थे वो बिल्कुल नहीं दिखते और आपके सामने से दांत एकदम सफ़ेद और बहुत अच्छे आपके जो दांत हैं वो दिखाई देते हैं। तो दांत जो गुटके की वजह से आपके दांतों का जो रंग बदला है उनको आप इन सारे इलाजों से ठीक कर सकते हो। ये जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए हैं ये सारे ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ हैं और आप बहुत अच्छे से करवा सकते हो। इन ट्रीटमेंट को कराने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, आगे चल के आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो होपफुली आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ हो कि आपके दांतों पे अगर कोई रंग चढ़ गया या गुटके का रंग है तो वो आपको किस तरीके से हटाना है, क्या क्या इलाज आप करवा सकते हो। अगर आपको भी आपके दांतों का इलाज हमसे करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में, कोई यहाँ के अपना इलाज करवाना चाहता है तो करवा सकते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके गुटके की वजह से दांतों पे रंग चढ़ गया है। थैंक यू।